लाला हरदयाल का जन्म दिल्ली में एक पंजाबी परिवार में हुआ था। उनके पिता गौरी दयाल माथुर जिला न्यायालय में रीडर थे। उन्होंने दिल्ली के सेंट स्टीफन कॉलेज से संस्कृत में बीए पूरा किया। इसके बाद उन्होंने पंजाब विश्वविद्यालय से एमए संस्कृत प्राप्त की। ऑक्सफोर्ड में अध्ययन करने के लिए छात्रवृत्ति प्राप्त करने के बावजूद वे इंग्लैंड से भारत वापस आ गए, जहां वे चले गए थे ताकि जीवन का नेतृत्व किया जा सके। उन्होंने अराजकतावादी और क्रांतिकारी विचारों का पता लगाया। उनके कट्टरपंथी लेखन ने सरकार का ध्यान आकर्षित किया, इसलिए लाला लाजपत राय की सलाह पर हरदयाल विदेश चले गए। पेरिस में उन्होंने वंदे मातरम नामक एक पत्रिका का संपादन किया। वे पेरिस से अल्जीरिया और वहां से मार्टिनिक चले गए, जहां उन्होंने तपस्या का जीवन व्यतीत किया। एक आर्य समाज मिशनरी ने उनसे वहां मुलाकात की और उन्हें प्राचीन आर्य संस्कृत का प्रचार करने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका जाने के लिए कहा। वे यूएस में अलग अलग जगहों पर रहते थे और कार्ल मार्क्स की रचनाओं पर अध्ययन और लेखन करते थे। 1911 में वे दुनिया के औद्योगिक श्रमिकों के सैन फ्रांसिस्को अध्याय के सचिव बने। सिख प्रवासियों के साथ उन्होंने भारत के छात्रों के लिए गुरु गोविंद सिंह साहिब शैक्षिक छात्रवृत्ति शुरू की। 1912 में भारत के वॉयसराय लॉर्ड हार्डिंग के जीवन पर एक प्रयास हुआ। इसे हरदयाल पर गहरा प्रभाव पड़ा, जो तब अराजकतावादी से राष्ट्रवादी बन गया था। उन्होंने कई युवाओं को देश की स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल होने के लिए प्रेरित किया। वे यूएस से गदर पार्टी में शामिल थे। 1914 में अमेरिकी सरकार ने अराजकतावादी साहित्य फैलाने के आरोप में उन्हें गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद हरदयाल बर्लिन चले गए और फिर 10 साल तक स्वीडन में रहे। उन्होंने 1930 में लंदन विश्वविद्यालय से डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की। उसके बाद वे भारत, अमेरिका और यूरोप को कवर करने वाले एक व्याख्यान दौरे पर गए। उन्होंने अपनी मृत्यु की शाम को भी एक व्याख्यान दिया। 4 मार्च 1939 को लाला हरदयाल जी की फिलाडेल्फिया में मृत्यु हो गई। जय हिंद।